जनपद मुरादाबाद के हस्तशिल्पी जन कल्याण सोसाइटी रजिस्टर द्वारा स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सोसाइटी द्वारा स्वतंत्रता दिवस का जश्न अब्बासी अरबिया तालीम सेंटर मियां कॉलोनी करूला में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें झंडा फहराया गया और राष्ट्रगान गाया गया। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर वक्ताओं ने रोशनी डाली और शहीदों की कुर्बानी को याद किया, जिसका संचालन ताली भी केंद्र के संचालक हाजी अनवर अब्बासी ने किया। अध्यक्षता समिति के संस्थापक अध्यक्ष एम ताहिर ने की। संस्था के पदाधिकारी द्वारा बच्चों को मिठाई वितरित की गई। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए संस्थापक और ताहिर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए आज जो है स्वतंत्रता दिवस है, उसी उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ मोहल्ला मियां कॉलोनी में अब्बासी अरबिया तालीमी सेंटर में आज़ादी का ये स्वतंत्रता दिवस मनाया है छोटे छोटे बच्चों के साथ, जो कि हमारे ये तालीमी सेंटर पिछले 2 साल से चल रहा है और जिसमें हमारे सोसाइटी के प्रदेश कोष अध्यक्ष जनाब हाजी अनवर अब्बासी साहब और हाबी सरफराज साहब इसको चला रहा है। मैं चाहूँगा कि तालीमी सेंटर के लिए थोड़ा सा हमारे हाजी जी इस पर रोशनी डालें। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए हाजी अनवर अब्बासी ने क्या कहा, ये जानते हैं। नाम अनवर अब्बासी है, यहाँ मियां कॉलोनी करोल में अरबी अब्बासी तालीम सेंटर के नाम से सेंटर पिछले 2 सालों से चल रहा है। पिछले साल भी 15 अगस्त का जश्न बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। इस बार भी हस्तशिल्पी जन कल्याण सोसाइटी रजिस्ट्रेड उत्तर प्रदेश ने हमारे बच्चों के साथ मिलकर 15 अगस्त के जश्न को बहुत खूबी और उल्लास के साथ मनाया है और बच्चों को तरह तरह के तोहफे और उनको मिठाइयाँ वगैरह वितरित की गई। इस मौके पर समिति के एम सलीम अब्बासी, लाइक अंसारी, अनवर कुरैशी, खली उर्फ डब्बू, एम अफजल, सुभान कुरैशी, कारी शनावास, SIO मुरादाबाद के सेक्रेटरी समीर पाशा, हाजी सफीक नजाकत अंसारी आदि लोग मौजूद रहे।